ओके दोस्तों, तो आप लोग राइस फर्मेंटेड वाटर की बात बहुत बार पूछते हैं, तो मैं इसको क्विकली 2-3 मिनट में समअप कर देता हूं, जब तक शशि जी अपना सेटअप कर रहे हैं दोबारा। जो राइस फर्मेंटेड वाटर आपने लेना है, वो राइस जो कुक हो जाता है, जो राइस पक जाता है, उसमें हमने वाटर फर्मेंट करना है, जो राइस को फर्मेंट करना है। प्रोसेस क्या है, आपने राइस जैसे नॉर्मल पकाते हैं वैसे उसको उबाल लिया, आपने राइस को सिंपल पकाना है, उबाल के जैसे राइस पकाते हैं, हमने उबाल लिया, राइस बन के तैयार हो गया। अब जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उस पके हुए राइस में, पके हुए चावल में, एक भाग राइस चावल और 5 भाग पानी उसमें डाल के उसको हमने सोक कर देना है, और उसमें कुछ नहीं डालना है। एक भाग राइस चावल 5 भाग पानी, ओके। उसको कम से कम 10 से 12 घंटे, जो मेरा रिसर्च जाता है, अगर आप 24 घंटे तक उसको फर्मेंट करेंगे तो जिस राइस में बेसिकली जो बैक्टीरिया आते हैं अच्छे वाले, बेसिकली लैक्टोबैसिलस का कोई स्ट्रेन आएगा, वो जो कार्ब्स के लिए आते हैं, जो राइस में जितना भी कार्ब है, शुगर है, वो खा जाएंगे और वो आपका पूरा फर्मेंट कर देंगे, तो 24 घंटे के बाद उसमें शुगर जीरो हो जाता है। ओके, अब जो शशि जी ने बात कवर की, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ फिर से, बहुत अच्छी चीज है जो राइस है ना उसको खाना, क्योंकि जो ग्रेन में जो ग्रेन जो फर्मेंट हो रहा है ना, उसमें आपका विटामिन B12 बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स। और जो मोस्टली जो वेजिटेरियंस होते हैं, उनको जो विटामिन B12 की बोलते हैं कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, वो वेजिटेरियनिज्म की वजह से नहीं होती है। इवन जो बाकी भी जो मीट लोग खाते हैं उसमें भी वहां से नहीं आता, वो जो चारा खाते हैं जानवर, वो मिट्टी में ही होता है, कोलामाइन बोलते हैं शायद उसको, विटामिन B12 को। तो इसलिए पानी तो पीजिए पीजिए, जो चावल है उसको भी खाने की आदत डालिए। और जो लोग कहते हैं कि फर्मेंट नहीं हुआ, देखिए मैंने फर्मेंट कल का, ये ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं, तो ये ज्यादा देर तक फर्मेंट होने पे आप लोगों को लग रहा है कि वाइट हो जाएगा, लेकिन फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है अपने आप। सो आई होप दिस क्लियर्स द डाउट। आपने 8 घंटे से ज्यादा, कम से कम 8 घंटे करना है, आइडियली अगर आप 24 घंटे कर सके तो बहुत अच्छा, उसमें पूरा शुगर जीरो हो जाता है। उसके बाद चावल को जरूर खाना है, उसको गर्म ना करें, कोशिश करें कि जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच भी खाना स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, नाउ आई एम गिविंग द स्टेज बैक टू शशि जी, इज रेडी।